दोस्तों मैं नीचे राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पे ह्यूमन बॉडी, जैसे जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इसको ये एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट है, ठीक है, तो भी इसके ऊपर टच करेंगे तो ये शॉर्टकट आ जाएगा। तो इसको आपको यहाँ से हाइड कैसे करना है मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊँगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि इसको आपको हाइड कैसे करना है, इसको बंद कैसे करना है। अगर आपका यहाँ पर इसको रखना पसंद नहीं है तो इसको कैसे आप यहाँ से बंद कर सकते हो, यहाँ से हटा सकते हो, मैं इसमें पूरा बताऊँगा। इसके लिए वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। और अगर आपको इसको चालू करना है वो भी मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, और इसको काम क्या है वो भी मैंने वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूँ, तो फिर वो भी आपको देखना है तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से ही जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है पहले बता देते, लेकिन इस वीडियो में मैं बताऊँगा इसको आपको बंद कैसे करना है, ठीक है। तो सिंपली इसको बंद करने के लिए क्या करना है मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो इसके लिए वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एरिमान पाकिरा, मिस्टर और टेक्नोलॉजी ज्ञान में आपका स्वागत है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फोन से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों इसके लिए क्या करना है, आपका जो सेटिंग देखने को मिलता है तो आपको सेटिंग के ऊपर टच करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेटिंग के ऊपर टच कर दिया, टच करने के बाद थोड़ा ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं एडिशनल सेटिंग का जो ऑप्शन देखने को मिलता है, सिंपली इसके ऊपर आपको टच करना है। आपके पास एडिशनल सेटिंग नहीं है तो फिर उसके बारे में मैं बता दूंगा कि कैसे आप दूसरा तरीके से आप यहाँ से ये जो ऑप्शन है ये बंद कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली इसको भी ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेसिबिलिटी का जो टैब है वो देखने को मिल जाता है, सिंपली इसके ऊपर आपको टच कर देना होता है। एक्सेसिबिलिटी के ऊपर टच करने के बाद यहाँ पे देखने को मिलता है जो एक्सेसिबिलिटी जो मेनू है, यहाँ पे देख सकते हैं जो सेकंड वाला जो एक्सेसिबिलिटी मेनू है यहाँ पे देख सकते हैं, इसके ऊपर आपको टच कर देना है। टच करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्सेसिबिलिटी मेनू शॉर्टकट है, तो एक्सेसिबिलिटी मेनू शॉर्टकट यहाँ से आपको बंद कर देना है। तो सिंपली इसको बंद कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे जो है वो एक्सेसिबिलिटी जो मेनू है जो शॉर्टकट है वो यहाँ से हट गया है। तो सिंपली यहाँ ऐसे आप बंद कर सकते हैं, और आपको चालू करना है तो सिंपली इसको चालू कर दीजिए, ठीक है। अलाउ कर देंगे तो आपका ओके कर देंगे तो आपका ये चालू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बंद करना है, इस वीडियो में बताऊंगा कि बंद कैसे करना है बताया था, तो भी ऐसे बंद करना है तो इसको आपको डिसेबल कर देना है, मतलब इसको चालू है इसको बंद कर देना है। सिंपली यहाँ से बैक चले जाइए, तो बैक जाने के बाद देख सकते हैं जो मेरा जो एक्सेसिबिलिटी टैब है वो यहाँ से हट गया, तो ऐसे आप यहाँ से बंद कर सकते हो। दोस्तों दूसरा जो तरीका बताऊंगा बोला था वो है कि आपका जो सेटिंग है, सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे देखने को मिलता है जो सर्च सेटिंग, ठीक है, किसी का ऊपर है किसी का नीचे है, ऊपर है किसी का नीचे है, तो भी यहाँ पे सर्च सेटिंग के ऊपर टच करना है। तो यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है एक्सेसिबिलिटी, सिंपली यहाँ पे मैंने एक्सेसिबिलिटी लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेसिबिलिटी जो मेनू है वो सेकंड वाला ऑप्शन में देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेसिबिलिटी जो मेनू है वो आ गया, ठीक है। तो सिंपली इसके ऊपर आपको टच कर देना है। टच करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट आप जो एक्सेसिबिलिटी मेनू शॉर्टकट है वो वहाँ यहाँ पे आप आ सकते हैं, तो यहाँ से भी आप बंद कर सकते हैं, ठीक है। जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना, आपके फ्रेंड के साथ सबके साथ शेयर करना मत भूलना। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो या फिर परेशानी आ रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं पूरा हेल्प करने का कोशिश करूंगा। मिलते हैं कोई नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय गुरु।